हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, घर के सारे काम हो गए हैं और मैं भी नहा ली हूँ। और नहाने के बाद मेरे कमरे की अंदर की जो बेड की जो चादर है वो नई बिछाई हमने बेडशीट, क्योंकि मेरा छोटा बेटा सो रहा था देर तक। तो ये मैं अंदर की ये बेडशीट बदल रही हूँ। तो दोस्तों, घर का रूटीन का सुबह का जो कोई भी काम हमने नहीं दिखाया, क्योंकि तबीयत कुछ ऐसी थी तो वो थोड़ा नहीं दिखाया हमने। हमने धीरे धीरे ऐसे काम किए थे, तो जो जो हमसे हो रहा है वो हम दिखा रहे हैं। तो हमारे हमने बेड के बिस्तर लगा दिया है, बेडशीट लगा दी है, क्योंकि ये बाद में उठा था तो इसलिए बाद में लगाए हैं। दोस्तों, बच्चे सभी के घरों में ऐसे होते हैं या हमारे ही घर में है? हमारे सभी रिश्तेदार, सभी और जो जानते हैं हमारे बच्चों को, सभी कहते हैं बच्चे खाने में बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। जो भी फल होता है जल्दी से नहीं पकड़ते हैं, कोई भी चीज़ होती है जल्दी से नहीं, बस रोटी से पेट भर जाए उनका खाना खाने से। तो कोई भी फल आ जाता है या कोई मेहमान लेकर आए या हमने ले लिया, नहीं खाते हैं जल्दी से, तो हमें ही काट के देने पड़ता है। कई सारे फल इकट्ठे हो गए थे तो हमने सोचा ये ख़राब होने से अच्छा हम ही काट के दे देते हैं। तो मैं सारे फलों को लेके बैठी हूँ और सारे ही हैं, 5-6 तरह के फल हो गए हैं। तो मैंने थोड़े थोड़े काट के इनको अच्छी तरह से साफ़ करके पहले उनको धो कर रखा था, पहले जब मैंने फ्रिज में रखा था, तो उनको मैं काट करके और ये दे रही हूँ। और मैंने बहुत मुश्किल से इनको मनाया है कि नहीं बेटा, खाने हैं आपको। कुछ चीज़ें तो खा लेते हैं जल्दी से, लेकिन कुछ को बहुत बहुत ज़्यादा वो करते हैं और देखो अंदर से निकल के आ रहे हैं। और मैंने थोड़ा डांट लगाई थी कि नहीं खाने हैं, तो मैंने इनको बांट के दिए हैं कि इतने इतने खाने हैं। और आप देख सकते हो छोटी छोटी कटोरियां में हैं और ले मुश्किल से ले करके जा रहे हैं। और कुछ बच्चों को तो ये चीज़ें नसीब भी नहीं होती, लेकिन वो उसकी बात है, लेकिन कोई खा लेते हैं, कोई नहीं खा पाते हैं। ये उनमें के नहीं है, बहुत कम खाते हैं। तो ये छोटे भर उसके बाद इसको नहला दिया था क्योंकि ये लेट उठा था, तो इसको नहलाया फिर उसके बाद। और ये नाश्ता भी सबने फिर फलों का ये कर लिया था, चाय दूध सब पी लिया था, सब काम हो गया था घर का। हम भी नहा लिए, इसको भी नहला दिया। तो उसके बाद दोपहर हो गई है और दोपहर में हम खाना बनाएंगे। तो खाना अब हमारा 12:30 बज रहे हैं, उस टाइम बन रहा है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो थोड़ा लेट ही हो गए थे। तो इसके लिए मैं आलू बीन्स की सब्ज़ी बना रही हूँ। और इस सब्ज़ी के लिए सारे मसाले हैं, धनिया है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और जीरा पाउडर भी है, तेल इसको बनाने के लिए। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और ये जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया। आप यकीन नहीं करोगे कि आप मेरे घर आओगे आते और मैं ये सब्ज़ी खिलाती तो आप विश्वास करती। ये सब्ज़ी एकदम सादा तरीके से बनाई मैंने और इतनी अच्छी बनी कि क्या पूछोगे कि मैं कितनी बार बीन्स बनाती हूँ। हफ्ते में एक बार तो मैं बीन्स बनाती बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छी होती हैं ये बच्चों के लिए, सभी के लिए बीन्स की सब्ज़ी। लेकिन इस तरह से बनाई मैंने, इतनी अच्छी बनी क्या पूछोगी। आज मुझे पहली बार लगा कि मैं इसी तरह से बनाऊंगी। तो मैंने इसमें हींग जीरे का छोंक लगा दिया और थोड़ी सी हरी मिर्ची और थोड़ी सी अदरक काट के डाली, वो भून ली। उसके बाद मैंने मसाले घोल करके भून लिए और बहुत अच्छे चटक, जैसे चटक होता है बोलते हैं इसके, चटक की सब्ज़ी, इस तरह से मैंने इसको भूना अच्छी तरह से, तब इस सब्ज़ी को बनाया। तो इतनी अच्छी सब्ज़ी बनी। तो ये सब्ज़ी मेरी इधर बन गई थी, तो मेरे पास एक लौकी रखी थी, कई दिन हो गए थे उसके आए हुए। घिया की सब्ज़ी कोई पसंद, लौकी की सब्ज़ी कोई पसंद नहीं करता, तो मैंने सोचा मैं इनको इसकी थोड़ी सी ये मिठाई बना करके देती हूँ, क्योंकि ख़राब होने से अच्छा है इसका कुछ किया जाए। तो क्यों, जुगाड़ तो मैं लगाती रहती हूँ, छोटी कोई भी चीज़ हो तो मैं जुगाड़ से उसको कामयाब कर देती हूँ। तो मैंने घी डाल दिया था कढ़ाई में, और जब घी मेरा मेल्ट हो गया तो मैंने इसमें लौकी डाल दिए। ये मैंने कस ली थी अच्छी तरह से, बीज हटा करके, कच्ची थी, बीज तो कम थे इसमें। तो इसके बाद जब ये आधी गल गई थी, इधर मेरी सब्ज़ी पक रही है, तो ये जब ये लौकी आधी पक गई थी तब मैंने इसमें दूध डाल दिया। और ये दूध डाल करके मैंने पका ली, तो इसमें मैं ये मीठा डाली, छोटी कटोरी से मैं ये चीनी डाल दी है। तो ये दूध डाल के पक गई थी तब मैंने इसमें चीनी डाल दी है, और चीनी भी इसमें मेल्ट हो जाएगी अच्छी तरह से। तो मैं इसको मीडियम गैस पर पकने दूंगी धीरे धीरे। और उसके पास जो मेरे पास ये ड्राई फ्रूट्स हैं मैं वही डालूंगी। तो मेरे पास कुछ बादाम थे, कुछ नारियल का बरूदा था, तो मैंने वो दोनों चीज़ें डाली इसके अंदर और इसी से डेकोरेट करूंगी। तो इसको मैं अच्छी तरह से ये भून लिया है, और देखो किस तरह से इसने सारा, मतलब जो पानी था, दूध था, सब पक गया है।
तो मैं इसको अच्छी तरह से इसमें पका लिया है, तो मैं थोड़ा सा घी और डालूंगी क्योंकि काफ़ी टेस्टी बनेगा इस तरह से। तो थोड़ा सा मैं घी मैंने आधी चम्मच के करीब और डाला है इसमें, तो इसको मिला करके अच्छी तरह से पकने दूंगी। और इसको पकने के बाद थोड़ा देर गैस पर और रखूंगी इसको, और ये जब पक जाएगा तब ये ठंडा हो जाएगा, तब मैं इसकी थोड़ी सी मीठा बर्फ़ी जमा दूँगी। तो थोड़ा ही था तो थोड़ी ही बनी है। तो इस तरह से मैंने ये थाली में ये ग्रीस कर ली है इस तरह से घी लगा करके, और इसको देखो ये कढ़ाई में से हटने लगी है, तो समझो ये बर्फ़ी जमने लायक हो गई है। ज़्यादा नहीं था, ये थोड़ा ही था, तो एक या दो दिन बच्चे खा लेंगे थोड़ा मीठा, और ये बेकार होने से कामयाब हो गई। तो आपको दिख रही होगी ये पतली लेयर ही लगाई है मैंने, इतनी भी पतली नहीं है, दिख रही है। तो बादाम ही थे तो मैंने बादाम ही लगा दिए इसके ऊपर, और ये काफ़ी हेल्थी है। ये आप भी बना सकते हैं अपने बच्चों को, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा करके भी बनाएंगे। तो मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दी, और उसके बाद बना रही हूँ मैं चाय। तो चाय बन रही है मेरी दोपहर की, तो दोपहर में सब चाय पी रहे हैं, बच्चों के पापा भी आ गए थे तो वो चाय पी रहे हैं, और मैं आ गई हूँ इधर प्लाट में, और ये प्लाट में मैं पानी लगा रही हूँ। और ये शाम हो गई थी तो मैं पेड़ों में पानी लगा रही हूँ, गर्मी इतनी पड़ रही है तो ये सूख जाते हैं, बहुत जल्दी से सूख जाती है ज़मीन, तो सब मैं पानी लगा रही हूँ अच्छी तरह से। तो कुछ तो बीज मर ही गए हैं क्योंकि गर्मी की वजह से, दो दो बार बोए हैं तब भी ये नहीं। और देखो इस तरह से मेरी भिंडियाँ तो बची हुई हैं, और ये नीचे शलजम उग रही हैं, तो इतनी सारी गिलहरी हो गई हैं, सारे सारे पेड़ पौधों को खा गई हैं, क्या बताऊँ मैं आपको। और मुझे इतना दुख हो रहा है, इतनी मेहनत करी और ये सारी हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया उन्होंने। तो जो बच रहे हैं, जब तक हैं पानी हम दे रहे हैं, और मौसम चेंज हो जाएगा तो फिर से बोएंगे बीज, इसमें फिर से बीज डालेंगे। तो देखो ये छोटे छोटे उगाए थे थोड़े दिन पहले ही, और इन पर फूल आने लगे हैं, और ये भिंडी भी पक गई है, तो इसमें से मैं पक गई है तो मैं बीज निकाल लूँगी। ये मिर्ची पर भी फूल आ रहे हैं, तो जो मेहनत करते हैं और जो थोड़ा फल आता है तो अच्छा लगता है, लेकिन गिलहरी उसको आने ही नहीं दे रही, सारे पेड़ों को खा जाती हैं। और मेरे सीताफल की ये बेल थी तो उसके तो सारी को ही खा गई, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने, जो सबसे बड़ी बेल थी मेरी तो सारी को खा गई वो। बहुत दुख हो रहा है, इनको मार भी नहीं सकते, और मैं इनके लिए दाना भी रख दिया, उसको तो खाती नहीं फिर भी ये नुकसान करती हैं। और उधर मेरा शैतान खेल रहा है मिट्टी में, जब मैं इधर आती हूँ तो ये ज़रूर आते हैं और मिट्टी में खेलते हैं, तो मैं खेलने देती हूँ क्योंकि थोड़ी देर तो खेलते हैं, और मैंने कहा आप खेलो। तो दोस्तों मेरी वीडियो आज इतनी ही थी, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, हमारा रखना, और बाय बाय। और ये चाय बन रही है, ये दोबारा चाय बन रही है, मैंने वीडियो का अंत कर दिया, और ये मेरे के लिए बाद में जोड़ी मैंने, तो ये ध्यान नहीं रहा, तो ये एक शाम की चाय और बन रही, तो मैंने सोचा इसको भी मैं ले लेती हूँ। और यहीं तक थी मेरी वीडियो।